नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। बाढ़ की चर्चा करूंगा। जिस तरीके से गोपालगंज और सारण जिला जो है वो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित रहा है पिछले एक महीने से, पर कुछ बारिश में कमी आई थी जिसके चलते जलस्तर जो है वो थोड़ा कंट्रोल हुआ था तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, पर पिछले 24 घंटे में फिर से 20 सेंटीमीटर जो गंडक नदी का पानी है उसमें उछाल आया है, जिसके चलते सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो बुरी तरीके से फिर से प्रभावित हो गए हैं। लोग जो है वो अपने मवेशी को लेकर अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ गए हैं। गांव से फिर से पलायन शुरू हो गया है। बात करेंगे सबसे पहले हम गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले का जो दो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बैकुंठपुर आता है और बरौली, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं बाढ़ को लेकर। आपको बताएं कि बैकुंठपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 125 के आसपास ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से कल से लेकर अभी तक में जलमग्न हो गए हैं। यानी कि वहां पर जितने भी घर थे, जितने भी मिट्टी के मकान थे, जो झोपड़ी थे, वे सभी के सभी पानी में दह चुके हैं। 125 गांव ऐसे हैं जो बुरी तरीके से बाढ़ से फिर से 24 घंटों में प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अगर हम बरौली की बात करें तो बरौली के 19 पंचायत व नगर पंचायत के लगभग 21 वार्ड ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो कि जलमग्न हो रहा है। इसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों और हजारों की संख्या में आपको गांव, प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे जो बाढ़ से, गंडक नदी के पानी से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। बैकुंठपुर की अगर हम बात करें तो वहां के ऐसे कई गांव हैं जो जलमग्न तो नहीं है, पर वहां के घरों में 1.5 से 2 फुट तक पानी पहुंच चुका है, जिसको लेकर कई तरह के जो सांप होते हैं और तमाम तरह के जो जानवर होते हैं वे सभी के सभी बाहर निकलने लगे हैं। लोगों को भोजन पर भी अब आफत आ गया है। वहीं अगर हम बात करें कि जो खतरा का निशान होता है जलस्तर में, तो गंडक नदी में लगभग जितना खतरा का निशान है उसे 70 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है। वहीं अगर हम डुमरिया घाट की गंडक नदी की बात करें तो वहां पर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर गंडक नदी का पानी बह रहा है। अब आते हैं हम सारण जिले पर। सारण जिला जो कि सटा हुआ जिला है गोपालगंज से, अगर आप पटना से गोपालगंज आते हैं तो आपको सारण जरूर ही पार करना होगा। चलिए आपको हम बताते हैं, सारण जिले का लगभग 9 प्रखंड और उन 9 प्रखंड में लगभग 102 ग्राम पंचायत के लगभग 464 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। अगर हम कुल आबादी की बात करें जो इस बाढ़ से प्रभावित है तो उसकी संख्या 7,12,095 है। वहीं अगर हम उन पशुओं की बात करें, उन मवेशियों की बात करें जो सारण जिला में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तो उनकी संख्या 22,085 है। जी हाँ, 22085। और ये जितने भी आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ ये बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े हैं, यानी कि इससे ज़्यादा ही होने की संभावना लगाया जा सकता है जो बाढ़ से सारण और गोपालगंज जिले में प्रभावित हुए हैं। अब आपको उन 9 प्रखंडों की मैं बात करता हूं जो सारण जिले में आता है और जो बुरी तरीके से मार खाया है इस बाढ़ में, तो उसमें पानापुर, मसरख, तरैया, इसुआपुर, अमनौर, मकेर, परसा, मढ़ौरा, गरखा और दरियापुर, ये 9 प्रखंड हैं सारण जिले में जो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। अगर आप पटना से गोपालगंज आते हैं और सारण जिले को आप पार करिएगा तो जितने भी स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उन सभी पर जो आम लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वे अपना तंबू लगाकर अपने जानवरों के साथ वहां पर दिन बिता रहे हैं। उनके लिए सरकारी व्यवस्था की गई है पर उसमें भी कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो जलस्तर में गंडक नदी के लगातार बढ़ोतरी हुई है पिछले 24 घंटों में। उसके पहले जलस्तर थोड़ा नीचे गया था तो लोगों को थोड़ा शांति मिला था, थोड़ा चैन मिला था, पर फिर से गंडक का जो बुरा रूप है, जो बुरा प्रभाव है उसका, वो फिर से देखने को मिल रहा है। गोपालगंज और सिवान से जुड़े बाढ़ की हर खबरें आप तक हम बताते रहेंगे। जिस बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और फॉलो करिएगा, हमारे पेज को भी लाइक और फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।